यानी लैंगिकता खत्म हो जाएगी? नहीं, लैंगिकता नहीं खत्म होगी, लेकिन समानता आएगी। लोगों को भ्रमित करने के लिए जैसे धारा 370 जी, जैसे 3 तलाक, ऐसे कानूनों को बनाया जो कि आवश्यकता नहीं थी, मौखिक से बदलकर लिखित हो गया। खाली बोलने वाला शब्द खत्म हो गया कि हम किसी को अन्य से सड़क पे चलते हुए नहीं बोल सकते कि तलाक तलाक तलाक। अच्छा, 3 तलाक होने के बाद में भी ये अभी मतलब पूर्ण रूप से खत्म नहीं है, अभी है। हिंदू धर्म में जैसे 18 साल बेटी की एज होनी चाहिए शादी की, जो कि मुस्लिम धर्म में नहीं है। खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ज्यादा सहूलियत, लेकिन यूजीसी आने से उसको जैसे हिंदू धर्म में देना पड़ता है खर्चा उसको पालने का प्रवेश करने का अधिकार, वैसे ही मुस्लिम धर्म को भी उसी तरीके से देना होगा। नमस्कार, एक बार फिर से आपका किया न्यूज में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जिसकी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है, जो माहौल गरमाया हुआ है यूसीसी की वजह से, उसी यूसीसी पर आज हम बात करेंगे, पूरे विधिक बात करेंगे। एक विधिक तौर पर हमारे साथ में आज अधिवक्ता के रूप में हमारे पास में कानून के जानकार, चूंकि हमने सोचा कि किसी कानून के जानकार से ही बात की जाए, वही सही तरीके से हमें ये समझा पाएगा कि आखिर यूसीसी है क्या और यूसीसी का किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होने वाला है। तो ये सब कुछ आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे। हमारे साथ बबलू सिंह राठौर गोल्डी जी उपस्थित हैं। बबलू जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी आपका भी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये जो यूसीसी जो बवाल है एक्चुअल में है क्या? देखिए, जो जनता के प्रति लोगों में भ्रमित्ता फैलाई जा रही है वो गलत है। यूसीसी एक यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट है जिसको हम एक समानता नागरिकता का अधिकार देते हैं, जिसमें इंसान को लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में अलग अलग तरीके के एक्ट के हिसाब से बटे हुए हैं, उसमें फिर एक समानता आएगी। एक हिंदुस्तान एक लॉ, एक हिंदुस्तान एक लॉ के अकॉर्डिंग कानूनी कार्रवाई की जाती रही। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ मुस्लिम लॉ में है, हमारी बहु बेटियाँ हैं जिनके साथ 3 तलाक जैसा वो घिनौना जो अब तक चलता आया कृत हलाला है, बंटवारे का अधिकार है, जो उनसे वंचित रखा जाता था उनको, लेकिन अन्य धर्मों में उसमें बेटियों को वंचित नहीं रखा जाता था, उनमें उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देकर जो लड़कों को समानता मिलती थी वही बेटियों को, वही लड़कियों को समानता मिलती। तो ये कोड आने के बाद में महिला पुरुष का यानी लैंगिकता खत्म हो जाएगी? नहीं, लैंगिकता नहीं खत्म होगी, लेकिन समानता आएगी लॉ के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो संविधान है, संविधान में भी आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 में ये क्लियर दिया गया है कि नागरिकता यूनिफॉर्म सिविल कोड है और उसको लागू करना चाहिए, वो उसमें पहले से ही है। अच्छा, एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि जो आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 44 ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है जी, तो फिर ये लागू नहीं था या अब क्या किया गया? यूसीसी में क्या अंतर है और 44 में क्या अंतर है? हाँ, ये आपका क्वेश्चन ठीक है, ये लागू नहीं किया गया। जो एक धर्म एक नागरिकता लागू होनी चाहिए थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लागू नहीं की गई, क्योंकि समय समय में सत्ता परिवर्तित होती रही और समय समय पर जो यहाँ के नेतागण थे उन्होंने उस चीज़ पर गौर नहीं किया। जैसे मान लीजिए कि अभी बीजेपी सरकार भी है, जो माननीय योगी मोदी जी जो भी सरकार चला रहे हैं, उनको जो अभी जो प्रोपेगंडा तैयार करके यूसीसी लेकर आ रहे हैं, इस पर भी इन्होंने पहले भी समय समय पर वोट को एकत्रित और वोट को ठगने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, जैसे धारा 370 जी, जैसे 3 तलाक, ऐसे कानूनों को बनाया जो कि आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इन्होंने वोट को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए समय समय पर एक तरीके से कहते नहीं किस्तों में इन धाराओं को समावेशित करना चाहा और किया, और वोट को इन्होंने लाभ लिया और सरकार में वो काबिज हुए। अगर जो अभी भाजपा सरकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात को कह रहे हैं कि यूसीसी लागू हो, अगर इनको लागू करना था तो फिर धारा 370 या 3 तलाक जैसे कानून बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब एक देश एक कानून होगा तो ये सारी चीजें उसमें समावेश हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी।
लेकिन उन्होंने वोट की राजनीति करने के लिए जैसे 370 भी पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी वो लागू नहीं थी, उसको लागू किया। ऐसे ही 44 भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से था लेकिन वो लागू नहीं था, अब उसे लागू किया जा रहा है। ये एक राजनीतिक फंडा है, ये बहुत दिन पहले मेरी नजर में उसको कांग्रेस को ही लागू कर देना चाहिए था। कोई नई चीज नहीं है, इसमें ना कोई भ्रमित होने की जरूरत है ना किसी तरीके को किसी को गुमराह होने की जरूरत है। खास तौर से मेरे यहाँ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी बहू बेटियों बच्चियों के लिए ये एक तरीके से संजीवनी और बूटी का काम करेगा ये कानून जी, उनके लिए इतना लाभ है। जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म में जब तक बेटी की शादी की एज 18 साल तक नहीं हो जाती थी तब तक तो उसकी शादी नहीं होती थी, लेकिन ऐसा मुस्लिम लॉ में नहीं है। मुस्लिम लॉ में जैसे ही बेटी की महामारी शुरू हो जाए, चाहे वो नायक और महामारी अमूमन 9 साल से शुरू हो जाती है तो वो शादी लायक हो जाती थी धर्म में। हाँ, उनके धर्म में 9 साल के बाद ही शादी के लिए तैयार हो जाती थी, वो शादी हो जाती थी। तो उस बच्ची के साथ जो एक तरीके से अपराध होता था अब वो इस कानून के जरिए नहीं होगा, उसकी भी एज एक समान होगी। जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म सिख ईसाई में जैसे बेटी की उम्र 21 साल या 18 साल है, उस तरीके से मुस्लिम धर्म में भी बेटी की उम्र 18 साल होगी इस कानून के जरिए। यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसके हिसाब से अभी तक बेटियों की शादी जो है आज के समय में भी 13 साल के बाद में वो कर सकते हैं, अब नहीं कर पाएंगे। अगर ये कानून लागू होता है तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक समानता होगी। तो जैसे हिंदू धर्म में बेटी की शादी 18 साल की एज में होती है तो फिर मुस्लिम धर्म में भी उसको फिर 18 साल की एज में ही शादी करनी पड़ेगी और वो एक्ट के अनुसार लागू हो। अच्छा, इस एक्ट में क्या क्या मूल बातें हैं जो प्रभाव डालती हैं? देखिए, सबसे पहली मूल बात तो ये है कि जो लीगल है हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन के प्रावधान था, लेकिन अब वो सर्व जातियों के लिए व सर्व धर्म के लिए लागू होगा समान रूप से। सारे लोगों को अपने जाकर रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे मैरिज एक्ट के, उससे उनको समानता आएगी। जिस तरीके से वो शादियों को झुठला देते थे वो नहीं होगा, उस पर अंकुश लगेगा। दूसरी बात, यानी इसका फर्क केवल मुस्लिम समुदाय पर नहीं हिंदुओं पर भी पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि 3 तलाक, आप समझ रहे, 3 तलाक का कानून जरूर बनाए, लेकिन 3 तलाक में भी 4 स्टेप ऐसे है जिस पर आप आज भी तलाक दे सकते हैं, जो आज व्हाट्सएप द्वारा लेटर द्वारा मौखिक रूप से कहने के 3 महीने बाद द्वारा ये आज भी लागू है, उनके अकॉर्डिंग वो किए जा रहे हैं। एक्ट तो बन गया है, लेकिन किसी ने अगर मुस्लिम बेटी को और उसके शौहर ने उसको एक लेटर द्वारा सूचना दे दी कि मैं तुझे तलाक देता हूँ, तो 90 दिन के अंदर 3-3 महीने के मतलब यानी कि 90 दिन के अंदर 30-30 दिन के अंतराल में अगर वो उसको पत्राचार द्वारा सूचना बरकर रूप देता है तो वो तलाक के दृष्टि में आएगा, वो माना जाएंगे। अच्छा, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। मतलब व्हाट्सएप से भी अगर कोई व्हाट्सएप से भी मैसेज करता है वो कंटिन्यू 3 दिन यानी कि 3 महीने के अंतराल में देता है और वो फिर मना करता है, फिर देता है, फिर मना करता है, फिर देता है, फिर मना करता है, तो वो तलाक की दृष्टि में आएगा, उसको तलाक माना जाएगा। अच्छा, 3 तलाक होने के बाद में भी ये अभी मतलब पूर्ण रूप से खत्म नहीं है, अभी है, खाली बोलने वाला शब्द खत्म हो गया कि हम किसी को अन्य से सड़क पर चलते हुए नहीं बोल सकते कि तलाक तलाक तलाक। अब हम लिखित में रिटर्न वे में दे रहे हैं, लेकिन बदला क्या, उससे नयात मिलेगी और मुस्लिम बेटियों को सम्मान मिलेगा। मौखिक से बदलकर लिखित हो गया, लिखित हो गया, बस ये बदलाव है। लेकिन इस एक्ट के आने से जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में 6 महीने की फाउंडेशन है और 6 महीने के अंतराल में आपको तलाक की डिग्री देती है जब म्यूचुअल कंसेंट से भरे हुए हो, ऐसे ही फिर मुस्लिम बेटियों को भी मिलेगा और सिख ईसाई जो भी है उन सारी बेटियों को एक धर्म एक एक्ट के अनुसार न्याय मिलेगा। अच्छा, और तलाक के अलावा जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, दो मुद्दों पर हमने बात करी, तीसरी चीज इसमें क्या है? तीसरी चीज ये है कि जैसे मान लीजिए मुस्लिम धर्म की बेटियां, सिख धर्म की बेटियां, ईसाई धर्म की बेटियां या हिंदू धर्म की बेटियां, जैसे हिंदू धर्म में बेटी को समान संपत्ति का अधिकार है, जैसे बेटी है बेटी को जैसे बच्चों को और लड़कों को समान संपत्ति मिलती है, ऐसे ही हिंदू लॉ में बेटी को भी समान, लेकिन मुस्लिम लॉ में नहीं है, सिख धर्म में नहीं है, ईसाई धर्म में नहीं। उस एक्ट के अनुसार बेटियों को भी हर धर्म में समान संपत्ति में
उसको अधिकार मिलेगा और उसको पाने की अधिकारी होगी, ये उसका एक अपना अलग लाभ होगा। यानी कि जैसे अभी अगर हम मान के चलते हैं कि एक हिंदू की बेटी है और एक मुस्लिम की बेटी है, अब दोनों का विवाह हो गया, तो विवाह के बाद में हिंदू की बेटी को संपत्ति में, पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगने का अधिकार है और मुस्लिम लॉ में अभी अधिकार नहीं है, लेकिन वो अधिकार इस एक्ट के आने से, सीसी के आने से, सीसी के आने से वो अधिकार हिंदू से हो या मुस्लिम हो, कोई भी संप्रदाय की बेटी हो, उसको समान अधिकार मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अच्छा, अब ऐसे ही जैसे 125 मेंटेनेंस भरण पोषण है जी, तो भरण पोषण में अभी आपने देखा होगा कि एक मेहर की रकम अदा करने के बाद में उसको उसके हिसाब से भरण पोषण का हक नहीं मिलता है, लेकिन इस यूसीसी आने से वो भी जो हिंदू बेटियों को लागू होता है वो मुस्लिम बेटियों को लागू होगा, तो कई हद में ये कानून बहुत अच्छा है। अच्छा, एक उदाहरण और लेते हैं, एक मुस्लिम बेटी और एक हिंदू बेटी है, हिंदू बेटी का अपने पति से तलाक हो जाता है और मुस्लिम बेटी का भी अपने शौहर से तलाक हो जाता है। अब तलाक के बाद में अगर उन दोनों के पास एक एक बच्चा है, तो बच्चे का भरण पोषण हिंदुओं में अभी क्या एक्ट है और मुस्लिम में अभी क्या एक्ट है? देखिए, बच्चे के भरण पोषण का, अगर जैसे बच्चा है और वो माइनर है, तो भरण पोषण का उत्तराधिकार उसके जो पिता है उसको देना होगा और देते हैं जब तक वो 18 वर्ष का नहीं हो जाता हिंदू धर्म। ठीक, लेकिन मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है। मुस्लिम धर्म में ऐसा है कि पिता जब तक देगा जब तक बच्चे 2 वर्ष का होगा। अच्छा, और बच्चे की उम्र 2 वर्ष से अधिक होगी पिता उसका भरण पोषण देना बंद कर देगा। अच्छा, जैसे माँ उसको सेल्फ कमा कर खिलाए या वो कहीं अदर अपनी निकाह कर ले तो उसके जरिए खिलाए, लेकिन उसको वो नहीं देगा। लेकिन यूसीसी आने से उसको जैसे हिंदू धर्म में देना पड़ता है खर्चा उसको पालने का प्रवेश करने का अधिकार, वैसे ही मुस्लिम धर्म को भी उसी तरीके से देना होगा। अच्छा, आपने तलाक की बात करी, अब हम तलाक की बात करते हैं कि तलाक की प्रोसेस अभी दोनों धर्म, दोनों हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से अभी क्या क्या है? देखिए, हिंदू धर्म में तलाक की प्रोसीडिंग लॉ में है, जैसे हम म्यूचुअल से डालते हैं, जैसे लड़का लड़की सहमत है तो हम 13B में गए और हमने एक तलाक माननीय न्यायालय प्रेषित किया और 6 महीने का समय दिया, और 6 महीने का इसलिए समय दिया जाता है कि दोनों में सम्मति हो सके, किसी तरह की दोबारा संभावना बन जाए और दोनों एक साथ रहने लगे। अगर उनमें ऐसी व्यवस्था नहीं बनती है तो 6 महीने बाद उसको तलाक को न्यायालय स्वीकृति देता है और दोनों अलग हो जाते हैं। अब मुस्लिम धर्म में क्या है, मुस्लिम धर्म में जो 3 तलाक की अपेक्षा और उसको लिखित में नोटिस द्वारा या अन्य किसी पत्राचार द्वारा उसको सूचना देने पर तलाक का प्रावधान है, जो यूसीसी आने से खत्म होगा। जैसे हिंदू की बेटी 6 महीने के अंतराल से तलाक लेती है, ऐसी मुस्लिम बेटी की, सिख, ईसाई, जो भी धर्म के लोग हैं वो इस तरीके से एक समानता के अधिकार से इस एक्ट के आने से फिर तलाक ले सकते। अच्छा, तो अब आसान भाषा में समझे तो यूसीसी हिंदू के लिए हितकर है या नहीं और मुस्लिम के लिए हितकर है, मुस्लिम और मुस्लिम सिख ईसाई बाकी अन्य ऐसा है। हिंदू धर्म में तो ये पहले से ही है जी, हिंदू धर्म में जैसे 18 साल बेटी की एज होनी चाहिए शादी, जो कि मुस्लिम धर्म में नहीं है। सिख धर्म में कुछ और एज फैक्ट है, ईसाई धर्म में कुछ और एज फैक्ट है, फिर वो समान 18 साल के होंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं होते, फिर सबके समान में रजिस्ट्रेशन होंगे, सबको करने होंगे, कंपलसरी होंगे। जैसे मान लीजिए कि संपत्ति में उनको अधिकार नहीं मिलता है, फिर वो सब सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सब बेटियों को समान संपत्ति में अधिकार मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अब उनको भरण पोषण का हो गया, आपका चल अचल संपत्ति में हिस्सा मिलने की बात हो गई, आपकी तो जो समानता है उसमें जो उनके अधिकार है जो हिंदू व मुस्लिम सिख ईसाई में वो समान होने की बात हो गई, लैंगिक समानता की बात हो गई, लैंगिक समानता की बात हो गई, तो जो एक्ट है, ये जो कानून है जो आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा, और जो बोझ है अनैतिक रूप से मुस्लिम बेटियों के ऊपर जो अनैतिक रूप से थोपे गए हैं वो उस पर ब्राम लगेगा और उनके लिए एक स्वतंत्र
सांस लेने का अधिकार होगा। अभी अभी हिंदू में ये प्रावधान है दो बच्चे या दो बच्चों से अधिक नहीं, जबकि मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है। फिर वहाँ वो भी बाउंडेशन लगेगी, जैसे हिंदू धर्म में अगर समानता के आधार पर दो बच्चे या चार बच्चे पैदा करने का अधिकार है, तो वो मुस्लिम सिख ईसाई में भी वो अधिकार इस कानून के जरिए समान होगा और उस पर भी बाउंडेशन लग। ठीक है, मतलब आपके कहने से हम ये मान सकते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान में कोई भी धर्म है सबके लिए ये अगर लॉ आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो ये हित कर रहेगा। बिल्कुल, लेकिन इसमें लोग आप देखिए कमियां निकालने फिर के लिए विरोध क्यों कर रहे हैं। देखिए कमियां निकालने के लिए तो अच्छे इंसान में कमियां निकलती, जैसे मान लीजिएगा अगर देखा जाए तो अभी कलयुग चल रहा है, सतयुग में भगवान श्री राम पर भी लोगों ने उंगलियां उठाई थी, तो इसका कोई मतलब नहीं है। लोगों को समझने की जरूरत है, लोग जो राजनीतिक लोग हैं इसमें अनैतिक रूप से रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, उनको तो कमियां निकालनी है, चाहे कानून अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो उन पर हमको नहीं जाना है। हमको ये जाना है कि आम जनमानस के लिए एक समानता कानून से लाभ है हानि नहीं है, तो इसलिए किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। किसी को इस एक्ट के अनुसार इस कानून के अनुसार किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब ये समान कानून लागू हो जाएगा तो लोगों को इसमें बहुत सारी सहूलियत मिलेंगी, खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ज्यादा सहूलियत मिलेगी। और मुस्लिम समाज ही विरोध कर रहा है इसका। देखिए मुस्लिम समाज के लोग हैं, अब वो क्यों विरोध कर रहे हैं, उनके लोग क्यों विरोध करा रहे हैं, वो तो उनका अपना व्यू है। मैंने अभी कहा कि विरोध करने वाले तो विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा विरोध जैसा इस कानून में कुछ है नहीं जिससे कि विरोध किया जा सके, तो इसलिए विरोध करना मेरी तरफ से बिल्कुल अनैतिक है और विरोध नहीं करना। ठीक, तो अंतिम संदेश आप क्या देना चाहते हैं जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं कि ये विवाद के लायक है ये चीज़ या नहीं? आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त जनमानस को तहे दिल से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग किसी को भ्रमित होने में ना आए, क्योंकि अभी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी तैयारी चल रही है, उसमें क्या अमेंडमेंट होकर आता है, उसमें क्या संशोधन होता है, उसका पहला वायलॉज क्या रहेगा, उसको पहले पढ़ें, समझें, सोचें, उसके बाद में विरोध करें। ऐसा विरोध जैसा इसमें कोई भी होल्ड नहीं है जिससे कि आपको विरोध किया जा सके, इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखें और जो हित में है जनमानस के में उसको लागू होने दें, क्योंकि ये कानून पहले ही लागू हो जाना चाहिए था लेकिन आज हो रहा है, ये भी हमारे देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जय हिंद जय भारत। चलिए, तो जैसा कि बबलू सिंह राठौर गोल्डी जी ने हमें बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और वो किस तरीके से लोगों के लिए हितकर है, लाभकर है, और इसमें परेशान होने की, घबराने की या फिर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, तो ये जो कुछ भी चीज़ें थी आशा है कि आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो इसे भी दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक हम ये जानकारी पहुंचा सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।